काफी इंतजार के बाद अंततः उपराजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और देर शाम से अब मौसम में ठंडकता महसूस की जा रही है। तापमान में भी गिरावट आ गई है। गुरुवार को तो देर शाम के बाद ठंडी हवा की बायरों ने मौसम को कूल कूल कर दिया। मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 1.3 डिग्री अधिक रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। दो दिन पूर्व नागपुर का न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था, लेकिन गुरुवार को ये गिरकर 17.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान गिरने और ठंडी हवाओं के चलते रात में ठंड महसूस होने लगी। यह औसत से 1.5 डिग्री कम रहा। हर वर्ष ठंड की शुरुआत नवरात्र से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष दशहरा के बाद तक भी गर्मी और उमस हलाकान करती रही। अब एक दो दिनों से जब बदराया मौसम छटा, तब से मौसम में ठंडकता आनी शुरू हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 27 अक्टूबर तक नागपुर का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आसमान अमूमन साफ रहेगा, जिसके चलते ठंडकता में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि विभाग ने संभावना जताई है कि सिटी में 27 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। शरद पूर्णिमा के बाद इस वर्ष मौसम में ठंडकता आनी शुरू हुई है। दिवाली के बाद सर्दी के तेजी से बढ़ने के आसार हैं।